हमारा टॉपिक है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब है कि ऐसी एक कंडीशन जहाँ पे जो बॉडी का फ्लूइड होता है वो डेंजरस लेवल में लो हो जाता है। ठीक है, डेंजरसली लो हो जाने का मतलब है, मतलब नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो बॉडी का फ्लूइड बैलेंस होता है उसमें एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है। ठीक है, पॉजिटिव बॉडी फ्लूइड बैलेंस का मतलब है कि जितना पानी एक व्यक्ति की बॉडी में इनटेक हो रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जितना पानी उसकी बॉडी से बाहर जा रहा है, या जितना यूरिन आउटपुट है या फ्लूइड आउटपुट है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इनपुट। ठीक है, सो जब इनपुट ज़्यादा होता है तो वी कॉल इट एज अ पॉजिटिव बॉडी फ्लूइड बैलेंस। एंड नेगेटिव बॉडी फ्लूइड बैलेंस वो कंडीशन है जब इनपुट कम है और उससे कहीं ज़्यादा अमाउंट में आउटपुट हो रहा है बॉडी से फ्लूइड का। ओके, सो जब नेगेटिव एक नेगेटिव बॉडी फ्लूइड बैलेंस हो रहा है, या हम कहें कि बहुत ज़्यादा ही डिप्लीशन हो रहा है बॉडी फ्लूइड का बॉडी में से, या डेंजरसली लो लेवल पे है अगर बॉडी फ्लूइड, तो उस कंडीशन को हम डिहाइड्रेशन कह सकते हैं। सो ये डिहाइड्रेशन किन वजहों से हो सकती है? इट कुड बी रिलेटेड टू एनी इलनेस, इट कुड बी रिलेटेड टू स्वेटिंग, जैसे बहुत हाई या हॉट ह्यूमिड टेम्परेचर की वजह से, या फिर इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। सो जितने भी हम अब रीजंस पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन के, वो इन तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आएंगे। इट कुड बी सम डिजीजेस जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, इट कुड बी सम एनवायरमेंटल कंडीशन और बॉडी फैक्टर्स जिनकी वजह से स्वेटिंग हो रही है, और इट कुड बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस जिनकी वजह से व्यक्ति की बॉडी में इनटेक ठीक से नहीं हो रहा है। दीज आर द मेन थ्री कैटेगरीज जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज इटियोलॉजिकल फैक्टर। सो इटियोलॉजिकल फैक्टर में पहले हम अगर हम बात करें तो ज़्यादातर हम देखते हैं बच्चों में, कि बच्चों में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि उनको डायरिया की प्रॉब्लम बहुत रहती है। ओके, सो अगर डायरियल प्रॉब्लम्स है, ये अडल्ट्स में भी हो सकता है। सो डायरिया है, एक्सेसिव डायरिया है, उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो जाता है, एंड साथ साथ अगर वॉमिटिंग है तो भी उस वजह से फ्लूइड बहुत लॉस हो जाता है, और उतना अगर व्यक्ति अगर मेक नहीं कर पाए या उतनी जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट नहीं कर पाए या फिर उसको रिप्लेनिश नहीं कर पाए, तो उस कंडीशन में डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिनकी वजह से जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा बॉडी से डिप्लीट हो जाता है। कुछ डिजीज़ कंडीशन जैसे लंग डिजीज़ हैं, ब्लैडर डिजीज़ हैं, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। एज फैक्टर की अगर हम बात करें तो जो डिहाइड्रेशन है वो किसी को भी हो सकता है, बट सबसे ज़्यादा हम देखते हैं छोटे बच्चों में, और जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो ओल्डर अडल्ट होते हैं, उनमें होने के चांसेस। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो दैट लीड्स टू एक्सेसिव स्वेटिंग, एंड अदरवाइज जैसे फीवर कंडीशन हो गए या और कोई रीज़न हुआ, जैसे हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, बहुत धूप में चल रहे हैं, सनस्ट्रोक है, इन सारे कंडीशंस में भी क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज़ पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया इज़ अगर किसी कारण में, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है या डायबिटिक मेलाइटिस या डायबिटिक इंसिपिडस या कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से पॉलीयूरिया हो रहा है, किडनी डिसऑर्डर्स हैं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि एक्सेसिव वाटर अगर डिप्लीट हो रहा है और उतना अगर बैलेंस नहीं हो पाया इनपुट से, तो दैट कैन लीड टू डिहाइड्रेशन। ओके, नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को डिहाइड्रेशन हो सकता है? इट कुड बी बिकॉज ऑफ, इट कुड लीड टू थर्स्ट। ठीक है, किसी भी डिहाइड्रेशन की सिचुएशन में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति को प्यास लगने लगती है, जो माउथ होता है वो बहुत ड्राई और बहुत स्टिकी हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे ये जो गम है, ये सारी चीज़ें जो बकल म्यूकोसा है उसके साथ चिपक रही हैं। ठीक है, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, यूरिन का जो कलर है वो बहुत डार्क कॉन्सेंट्रेटेड येलो हो जाता है, स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाते हैं और कूल हो जाते हैं, हेडेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर, इसी के साथ साथ मसल क्रैम्प्स, बॉडी पेन, बोन पेन, जॉइंट पेन होने के चांसेस हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सीवियर डिहाइड्रेशन है दैट कुड लीड टू डिजीनेस, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, मतलब जो हार्ट रेट है वो भी हाई हो जाता है, जो पल्स, जो ब्रीथ रेट है वो भी हाई हो जाता है, उसी के साथ साथ जो आईज होती हैं वो सनकन हो जाती है, मतलब ऐसी बहुत स्वेल्ड जैसी आंखें हो जाती हैं, एंड हम देखते हैं कि स्लीपलेसनेस हो जाएगा, लैक ऑफ एनर्जी, कन्फ्यूजन एंड इरिटेबिलिटी, ये हम ज़्यादातर देखते हैं केवल और केवल किसमें, क्रॉनिक लेवल या सीवियर लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन में। ओके, नेक्स्ट वन इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम
थॉरो एक हिस्ट्री टेकिंग कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं. इसके अलावा डिहाइड्रेशन जानने के लिए वी कैन डू अ थॉरो ब्लड टेस्ट एंड अ यूरिन टेस्ट. उसमें हमें पता चल जाएगा अबाउट द अमाउंट ऑफ वाटर इन द बॉडी. ओके, लास्ट है ट्रीटमेंट. सो इसे ट्रीट कैसे किया जाए? अगर कोई डिजीज़ है, कोई इन्फेक्शन है जिस वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स हैं उस डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसके सिम्टम्स रिड्यूस करने के लिए हम मेडिकेशंस देते हैं. बट जनरली अगर किसी व्यक्ति की बॉडी में फ्लूइड कम है तो फ्लूइड रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या करें? हम उन्हें ओरल फ्लूइड्स के लिए इनक्रेज कर सकते हैं. और अगर उससे भी रिप्लेनिश नहीं हो रहा, कंपनसेट नहीं हो रहा है, तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन दिए जाते हैं जिससे जो ओरल फ्लूइड्स हैं और साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उसका एक बैलेंस हो जाता है. और अगर ओरली उतना काफ़ी नहीं है बॉडी के लिए, देन वी कैन गो फॉर इन्फ्यूशंस. इंट्राविनस इन्फ्यूशंस जो हैं उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन. आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया गया है, आप लिंक को क्लिक करें, आपको डाउनलोड करें. वहाँ आपको ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अवेलेबल होंगे. थैंक यू.